हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आपको दिख ही गया होगा कि वीडियो का थंबनेल देख के और वीडियो का टाइटल देख के कि आज हम कोई फ़ोटो एडिटिंग नहीं करने वाले हैं। आज हम उसी टाइप का, जिस टाइप का आपने थंबनेल में देखा होगा, उस टाइप का एक लोगो मेकर बनाने वाले हैं, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर मेकर बनाने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जो आपको इंस्टाग्राम के बहुत लोगों को अच्छा दिखेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो बिना स्किप देख करें वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हुए हैं। एक का नाम है लिंक वन प्रोफाइल पिक्चर लोगो, लिंक वन प्रोफाइल पिक्चर लोगो लिंक टू। लिंक वन पर क्लिक करना है। लिंक वन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का सरफेस आ जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है। इसमें कुछ एक्टिविटी लिख रखी है, यानी कि कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन है जो आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन है, प्रोफाइल पिक्चर मेकर है वर्जन, इसका वर्जन दिया हुआ है पावर्ड बाय किसके, क्वेट्स कवर .com के, ये पावर्ड में पावर्ड है। इसके अंदर नो इमेज डाटा कलेक्ट है। इसके अंदर एक डाउनलोड का ऑप्शन भी है, जिससे आप नीचे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके थिकनेस का ऑप्शन है, थिकनेस मतलब जो इसकी साइड आउटलाइनिंग है उसकी थिकनेस चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ी करके दिखाता हूँ आपको, घटा के कर दिखाता हूँ, घटा के दिखाता हूँ, बढ़ा के दिखाता हूँ। तो मैं नीचे आ गया हूँ, मैं थिकनेस पर क्लिक किया और आगे किया तो ये बढ़ जाएगी, पीछे किया तो ये घट जाएगी। नीचे जाएंगे, इससे जो निचला ऑप्शन है उसका है भी आपको इसका गोला कहाँ रखना है, जो हमारा आउटलाइनिंग है वो कहाँ रखनी है, बीच में रखनी है या साइड में रखनी है, बिल्कुल कॉर्नर पर रखनी है। इसके नीचे ऑप्शन आ जाता है आपके पास कैपेसिटी का, कैपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है। कैपेसिटी के ऑप्शन से हम डार्क कर सकते हैं इसकी कैपेसिटी। तो मैं आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अपलोड फ़ोटो पर जाना है, जहाँ हमें अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो ले ली है कैरी मिनाटी वाई की, ऊपर डन के डन कर देना है। तो एडिंग फ़ोटो थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जैसे मेरी ऑटोमेटिकली फ़ोटो अपलोड हो गई है, तो अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जो कलर है हमारे आउटलाइनिंग है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ। दूसरी वेबसाइट हमारे, इसके दो तरीके हैं बनाने के। दूसरी वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सरफेस आ जाएगा, बट ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है तो आपका भी थोड़ा टाइम लेगा। तो मेरा भी इसमें बहुत टाइम लिया, तो मैंने कुछ वीडियो स्किप कर दिया है। इसमें कम से कम पाँच छः मिनट लग गए थे। तो इससे दूसरा तरीका मेरे को ज़्यादा बेस्ट तरीका यह वाला लगा, जिसके अंदर मैंने जो भी अपना लोगो मेकर बनाया, प्रोफाइल पिक्चर लोगो मेकर बनाया, इसके अंदर बहुत बढ़िया बना। और इसके अंदर वो आउटलाइनिंग के ऑप्शन भी हैं, मतलब जो फ़ोटो को, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर को, स्टोरीज को अट्रैक्टिव बनाते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पर सरफेस खुल गया है। सरफेस खुलने के बाद यहाँ पर ऐड ए बॉर्डर टू दी प्रोफाइल पिक्चर इंस्टाग्राम, इसकी जानकारी दी हुई है। तो नीचे जा सकते हैं। नीचे जाने के बाद इसमें हिंट दिया होगा, हेयर्स हाउ इट लुक्स इन योर पिक्चर, भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर पहले कैसी थी और अब कैसी लगेगी। यहाँ पर कुछ टैंपलेट्स दिए हुए हैं, यानी कि मोबाइल में जो फ़ोटो है या प्रोफाइल पिक्चर है अपलोड करके जो इसके स्टाइल दिए हुए हैं, टैंपलेट दिए हुए हैं। ज़्यादातर इसके अंदर फर्स्ट वाला तो है जो सिंगल लाइनिंग है, सेकंड वाला डबल लाइनिंग, और थर्ड वाला आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाता हूँ, थर्ड वाला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पर, आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा। तो इसके अंदर एक ब्लू टिक का ऑप्शन भी है, अगर आप हमने ब्लू टिक करना चाहते हो तो इसके अंदर ब्लू टिक का ऑप्शन भी है। तो मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाता हूँ। थर्ड वाले पर करना है क्लिक और नीचे जाना है, फिर नीचे क्लिक करना है अपलोड इमेज पर। हमको अपलोड इमेज पर चार ऑप्शन देगा ये, एक फाइल्स पर क्लिक करना है अपनी। फाइल्स में जाके आप कॉर्नर में थ्री डॉट दिखेंगे, वहाँ पर क्लिक करके गैलरी में जाना है। गैलरी में जाकर अपने अपनी सबसे अच्छी फ़ोटो है वो आपको ले लेनी है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अपनी कैरी मिनाटी की ही फ़ोटो ले ली है, जो मैंने पहले ली थी। तो उनकी फ़ोटो लेने के बाद हमारे सामने कुछ ऊपर ब्लू लाइन, जो अपर साइड है हमारी, उसके ऊपर ब्लू लाइन होगी एक, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब लास्ट तक चली जाएगी, तो समझ लेना हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, ये 5 मिनट लगेंगे आपके, सिर्फ हद से 5 मिनट लगेंगे, जैसे मेरी वीडियो ही 7 मिनट की है।
तो थोड़ा टाइम देने के बाद हमारे सामने कुछ उसी टाइप का आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा उसी टाइप का। तो हमको पुशअप करके नीचे नीचे जाते रहना है। नीचे जाने के बाद सबसे लास्ट में जा लेना है, थोड़ा टाइम लेगा, अपलोडिंग लोडिंग कर रहा है। नीचे जाने के बाद अब हमारा देखो कितना अमेजिंग लग रहा है, प्रोफाइल पिक्चर में लगे कितने अमेजिंग लगेगी, तो अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप किसी के पास मैसेज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अब हमको वेरीफाइड करने के लिए ऊपर थोड़ा अपलोड इमेज के ऊपर एक वेरीफाइड का बट जिसका ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक टिक यानी कि डन का निशान, टिक का निशान, ट्रू का निशान आ जाएगा, तो फिर ऊपर एक ब्लू लाइन यानी कि जो मैंने कहा था अपर साइड में ब्लू लाइन चलेगी। ब्लू लाइन जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब हमारा सरफेस वाइट रहेगा और उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। इसके दोनों वेबसाइट के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारे पास अब सरफेस आ गया है, जो हमारे डेस्कटॉप या मोबाइल जिसमें टैबलेट में आप यूज़ कर रहे हो, पीसी में यूज़ कर रहे हो, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखो हमारी फ़ोटो कितनी अमेजिंग बन गई है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने में आपकी ईमेल मांगेगा, ईमेल मांगने से थोड़ी इसको प्रॉब्लम भी आ सकती है। प्रॉब्लम आएगी क्योंकि थोड़ा पासवर्ड का, किसी को पासवर्ड याद नहीं रहता, अपनी जीमेल का या पासवर्ड याद भी रहता है तो फिर भी कुछ क्लिक नहीं हो पाता। तो इस पर क्लिक करके रखना है अपनी फ़ोटो पर, और यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन आएंगे, इसमें डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। और हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन पर क्लिक करना है। ये हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो गई है, इसका बैकग्राउंड भी देखो, आपको पता अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी इरेज हो गया है। अब हम अपनी आसानी से इसको प्रोफाइल पिक्चर में लगा सकते हैं। तो गुड बाय दोस्तों, वीडियो करते हैं।